सरहद पर जान की बाजी लगाते जाबाज, तिरंगे का मान बढ़ाते जवान, मगर बदले में उन्हें मिलता है धोखा। उन्हें लूट रहे हैं उनके अपने, फौज में मेजर कर्नल जैसे पदों पर रह चुके लोग। ये पूर्व सैनिकों की तनख्वाह खा जाते हैं, वर्दी के लिए मिलने वाला पैसा हड़प जाते हैं, और तो और भत्तों पर भी हाथ साफ कर देते हैं। ये पूर्व सैनिकों को छोड़ देते हैं परेशान हाल। ये है पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने की मुहिम, एक सनसनीखेज पर्दाफाश, ऑपरेशन रंग दे बसंती। तो बिग न्यूज में आज बात ऑपरेशन रंग दे बसंती की। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ऑपरेशन रंग दे बसंती। डायरेक्टर जनरल ऑफ रीएस्टैब्लिशमेंट यानी डीजीआर ने पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए एक योजना बनाई है, जिसके तहत पूर्व सैनिकों को सरकारी कंपनियों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी दी जाती है। पूर्व सैनिकों को नौकरी दिलाने का जिम्मा फौज के ही रिटायर्ड अफसरों को दिया जाता है, लेकिन ये रिटायर्ड अफसर दलालों और सरकारी अधिकारियों के साथ मिल जाते हैं और फिर शुरू होता है पूर्व सैनिकों के शोषण का सिलसिला। पेश है कोबरा पोस्ट के जमशेद खान और सैयद मसरूर की ये सनसनीखेज रिपोर्ट। ये है बरेली का बीएसएनएल दफ्तर। यहाँ हमारी मुलाकात हुई बीएसएनएल के जनरल मैनेजर आरसी आर्य से। जीएम साहब को हमने चारा फेंका, कहा हम बीएसएनएल के दफ्तर में सिक्योरिटी एजेंसी के मार्फत धंधा करना चाहते हैं। जीएम आरसी आर्य ने हमें एजीएम वी के भास्कर के पास भेज दिया। सौदा पक्का करने के लिए हमने रिटायर्ड मेजर चरण सिंह सागी का सहारा लिया। पहली ही मुलाकात में एजीएम भास्कर ने एडवांस की रकम लपक ली। हमने उसे 20,000 रुपए बताकर 10,000 रुपए ही दिए। ये हमारी एक चाल थी जिसमें आगे चलकर रिटायर्ड मेजर सागी का भी पर्दाफाश होने वाला था। ये सर 20,000 रुपए है बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का बरेली का, आप कॉन्ट्रैक्ट हमारा है। मान के चलूँ सर कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल रहा है बीएसएनएल सिक्योरिटी गार्ड बरेली में। नहीं, मैं उनसे तो बात कर लूँगा, मुझे आपसे भी थोड़ा एश्योरेंस चाहिए ना। हाँ, तो तभी तो कर लूँगा। अच्छा, दूसरा ये भास्कर जी कि 6 लाख जो मैंने कोट किया है कमीशन, ठीक है कि आप ज़्यादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुझे बिल्कुल स्पष्ट बता दीजिए सर। पहले बात तो करो यार। एजीएम भास्कर ने हमें सेना के रिटायर्ड मेजर सागी से मिलने को कहा। हम ये जानकर हैरान रह गए कि हमारे पहुंचने से पहले ही बीएसएनएल के एजीएम वी के भास्कर ने सांगी को फोन पर बता दिया कि उसे कमीशन के 20 नहीं बल्कि 10,000 रुपए मिले हैं। आप कितने दे के आए? अभी मैं उसको भास्कर जी को 20,000 रुपए टोकन अमाउंट दे के आया जी। फोन के सर उन्होंने मुझे 20 कहा, मगर ये 10 है। आपको 10 बोला? अभी मेरे को एकदम फोन किया उन्होंने कि मेरे को उन्होंने 20 कहा है, बट व्हेन आई कॉन्टैक्ट दिस इज 10। अरे मैंने क्या बात करी, मेरे को तो उन्होंने रिंग कर लिया। रिटायर्ड मेजर सागी ने हमें बताया कि बरेली के बीएसएनएल दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती के लिए अधिकारियों को मोटी रकम कमीशन में देनी पड़ती है। मुलाकात खत्म होने से पहले मेजर सागी ने हमसे वो 10,000 रुपए भी ले लिए जो हम एजीएम वी के भास्कर से बचा कर लाए थे। एक जगह गलती हो चुकी है, ये भी कभी गलती में गलती में मत गया ना कभी किसी नहीं गलती से तो नहीं। ट्रैक लेने टाइम देने टाइम पैसा पकड़ाने टाइम इसमें भी कंपनी माफिया जो होती है वो कभी किसी पर डिसबिलीव नहीं करती, ठीक है। ये कभी भी मत गिना, लो सर इतना है गिन लो। गलती हो गई ना 10 का 20 आपने बोल
कोई भी एक्स वाई जेड हमारे कॉन्ट्रैक्ट को हमसे ना छीन, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी ही कंपनी को मिलना चाहिए। सेना के रिटायर्ड मेजर सागी ने 36 साल फौज में बिताए हैं, लेकिन अब वो सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पर जवानों का ही हक मारने में लगे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से पूर्व फौजी अधिकारी वर्तमान के सरकार के नुमाइंदे और कुछ दलाल मिलकर सैनिकों का हिस्सा मार रहे हैं, सैनिकों की तनख्वाहें मार रहे हैं। और इस मामले में जब हमने केंद्रीय संचार राज्य मंत्री शकील अहमद से इस ऑपरेशन के बाद बात की तो उन्होंने हमको भरोसा दिलाया कि इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले ही हमने उनसे बात की थी। जी मैंने भी आपकी सूचना के बाद मैंने भी अभी इस पर देखा है। निश्चित रूप से अगर ये फिल्म सही है, सीडी सही है, तो ये गंभीर विषय है। इसलिए कि जो हम लोगों के यहाँ प्रोसेस है, मेरी जो जानकारी है कि ये सब काम टेंडर से होता है और जो जो सिक्योरिटी एजेंसीज को देते हैं हम काम ये, और दूसरे ये कि ये रिटायर्ड आर्मी पर्सनल का है, तो उस संबंध में निश्चित रूप से हम लोगों को अगर सीडी की ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी, पता चल जाएगा, हम लोग भी जांच इनिशिएट करेंगे, पर जो भी इसमें होगा उसके खिलाफ जो नियमानुकूल कार्रवाई है वो करेंगे। ये गंभीर विषय है। बिल्कुल, और ये सीडी की कॉपी में आपको अश्योर कराते हैं आईबीएन 7 की तरफ से कि आप तक कल सुबह ही पहुंच जाएगी। लेकिन जो अधिकारी इस तरह के काम कर रहे हैं, सब कुछ टेंडर के नाम पर होता है, ये बात मैं आपको बता दूं, लेकिन जब आदमी उनसे मिलता है जाके, कोई कमीशन एजेंट, कोई दलाल, तो वो भरोसा ले लेता है कि आपको हम इतना पैसा देंगे, इसके बदले में आप हमारे नाम का ही टेंडर खोलेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा कहीं काम हम लोग उनसे भी लेते हैं जो डायरेक्टर जनरल ऑफ रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है, उनकी भी इसमें भूमिका रहती है, और उनसे भी हम लोग इसी को एलिमिनेट करने के लिए, इसी विषय को खत्म करने के लिए कि भ्रष्टाचार नहीं हो, हम लोग उनके एजेंसी के थ्रू भी करते हैं। तो निश्चित रूप से उनको भी किसी ने धोखा दिया है और उनके भी आंख में धूल झोंक के इस तरह का काम हो रहा है, तो उन सब चीजों की हम लोग जांच करवाएंगे। आप सीडी उपलब्ध करा दें विभाग को, मुझको करा दें, मैं विभाग को उपलब्ध करा दूंगा, और निश्चित रूप से इस विषय में हम लोग जांच करके जो आवश्यक और नियमानुकूल कार्रवाई होगी वो करेंगे। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, भरोसा दिया है संचार राज्य मंत्री शकील अहमद ने आईबीएन 7 को। देश भर के दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से खुलेआम रिश्वत मांगते हैं बीएसएनएल के अधिकारी अपने ही लोगों को वहां पर तैनात करने के लिए। कैसे तोड़ रहे हैं कानून सेना के रिटायर्ड ऑफिसर, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।